हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनके मैथ्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको टोटल 36 कॉमन एरर्स बताए थे कि कराने हैं, जो सीजीएल टीयर 1 2019 में पूछे गए हैं। और इनमें से मैंने लगभग आधे क्वेश्चन आपको पार्ट वन में करा दिया है पिछली वीडियो में, और बाकी के जो आधे क्वेश्चन बच गए थे उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, उसको भी टेलीग्राम चैनल नहीं सॉरी उसको टेलीग्राम ग्रुप बोलना चाहिए मुझे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ वहां पर प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो कैसा लगता है मेरा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए आपकी मेरे वीडियो को आप ऑनलाइन देखें, ठीक है। मतलब कि आप डाउनलोड करके तो देखें, लेकिन बाद में कम से कम एक बार आप ऑनलाइन ज़रूर देखिए कीजिए। ये एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये आप काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैं बाद में बोलूँगा, पहले मुँह से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं जी, इसके लिए सॉरी। और आगे सवाल पे आते हैं अपने। तो देखिए, इस सवाल तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था, लकी हैज ऑलरेडी तक यहाँ तक करा दिया है मैंने पिछली वीडियो में, आगे वाले सवाल पे आ जाते हैं। देखें, ये है अगला सवाल अपने पास कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ता है एंड से, तो वैसे केस में आपको अगर दोनों सब्जेक्ट जो जुड़ा है या दो चीज़ें जो जुड़ी हुई है एंड से, अगर वो एक ही बात को डिनोट करती है यानी कि वो एक पेयर बनाती है, तो वैसे केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इज को या फिर सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो दोनों जो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े गए हैं, जैसे राम और श्याम जुड़े हैं, या फिर ऐसे आप ऐसा सवाल देखे होंगे जैसे आपको लिख करके आता है द पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड द सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, या द पीएम एंड द चेयरमैन, ऐसा आ गया द पीएम एंड द चेयरमैन अगर लिखा गया है, तो ऐसे केस में हम आर का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पीएम के पहले भी द लगा है और चेयरमैन के भी पहले द लगा है। इससे ये बात साबित होता है कि ये दोनों लोग अलग अलग हैं, और एंड से अगर दो अलग अलग चीज़ जुड़ा है, दो अलग अलग लोग जुड़े हैं, तो वैसे में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दो एक ही बात अगर जुड़ा हुआ है एंड से और दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, जैसे रोटी और दाल हो गया, दिन और रात हो गया, ऐसे जो पेयर बनते हैं ये एंड से जब जुड़ते हैं तो इनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनके बाद वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऐसा ही है, खोज और आविष्कार, खोज और आविष्कार लगभग एक ही जैसे बात हैं, तो ये एंड से जब जुड़े हैं तो इनके लिए हम लोग यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी, इनके लिए इस्तेमाल करेंगे इज का, और इसीलिए ऑप्शन ए गलत है, और वहाँ पर आर के बदले इज का इस्तेमाल करना होगा आपको। ये बातें जो भी मैं बता रहा हूँ आप याद रखिएगा, या फिर लिख के याद कीजिए, या जैसे भी याद कीजिए, बस याद रखिएगा। अगला सवाल अपने पास है कि एवरी वन एक्सपेक्ट सी हैव, देखो इससे आसान सवाल क्या आएगा, सी के साथ हैव थोड़ी लगता है, सी के साथ है जाता है, तो ईजी सवाल है, तो सी हैव में गलती है यहाँ पर, यानी कि हमारे लिए ऑप्शन चौथा सही है, ठीक है। सी के साथ है जाता है, हैव नहीं आता है। अगला सवाल अपने पास है, देखिए यहाँ पर सवाल है कि दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इन साइड द क्लासरूम। देखो एक बात याद रखो, मैंने हूँ वाला केस और विच वाला केस पिछली वीडियो में कई बार बताया है, तीन चार बार ये बात मैंने समझाई है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं बस आपको इस सवाल में पर्टिकुलरली इतना मैं बताता हूँ आपको कि दोज हूँ आर लेट, वापस यहाँ पर दे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये बात आप एक सेंटेंस से समझिए, मैं पिछली सवाल में भी ये सेंटेंस लिखा था, जैसे कि वह लड़का जो सड़क पर खेल रहा है वह मेरा भाई है, मैंने ऐसा बोल दिया, या वह लड़का जो फील्ड में खेल रहा है वो मेरा भाई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब इससे क्या हुआ जी, तो आप यहां से ये बात समझ पाए होंगे कि द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई ब्रदर, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इज लिख दिया, ये नहीं लिखा कि ही इज माई ब्रदर, ठीक है। यानी कि जब हूँ से जुड़ा हुआ है तो ये हूँ लगा हुआ है, इसीलिए वापस यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि द वाह हूँ इज प्लेइंग इन द फील्ड, और फिर यहाँ से आप लिखें हूँ इज माई ब्रदर या फिर ही इज माई ब्रदर, तो गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ये फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पर ख़त्म हुआ इन द फील्ड, इसके बाद डायरेक्ट आपको इज लिख करके और आगे का बात शुरू कर देना है। और यहीं पर ये गलती है, इस सवाल में भी यही गलती है कि दोज हूँ आर लेट विल नॉट बी अलाउड इन साइड द क्लासरूम होना चाहिए, ये दे यहाँ पर नहीं आना चाहिए कि वो लोग जो लेट हो गए हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास में आने के लिए, ठीक है। तो दे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा आपको,
क्यों रिमूव करना पड़ेगा ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं जो मैंने बताया था। अगला सवाल है यहाँ पर कि वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ टी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा सवाल आए आपके पास तो किसी अगर किसी मैटर पर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन एट नहीं होता है, डिस्कशन ओवर होता है। किसी बात पर डिस्कशन करना तो डिस्कशन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं ओवर को, डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ टी, सॉरी कप ऑफ कॉफ़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी मैटर पर या किसी बात पर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन ओवर होता है, एट नहीं होता है, यहाँ पर एट में गलती है। तो जो बात है ये फिक्स प्रीपोजिशन है और मैंने पिछली अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियो में बताई है कि 2020 के अंदर एसएससी द्वारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं या फिर क्लोज टेस्ट आ रहे हैं या जो ये कॉमन एरर्स पूछे जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन पूछी जा रही है। तो आप फिक्स प्रीपोजिशन जो भी आ रहा है और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से याद कर लीजिए कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन हैं, ये बदलते नहीं है नियम कानून के अनुसार, ठीक है। तो आगे अपना ये सवाल है कि द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। देखिए यहाँ पर गलती है द बोथ चिल्ड्रेन में, ठीक है। द बोथ चिल्ड्रेन बिल्कुल गलत है, आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब भी बोथ का इस्तेमाल करना होता है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि बोथ चिल्ड्रेन, ठीक है। या तो आप बोथ चिल्ड्रेन लिख दो केवल, तब जाके सही हो जाएगा। द बोथ आप चिल्ड्रेन नहीं लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दो कि बोथ ऑफ द चिल्ड्रेन, बोथ है सॉरी ये बोथ ऑफ द चिल्ड्रेन आपको लिखना पड़ेगा तो जाके सही होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि द बोथ चिल्ड्रेन गलत होता है, या द बोथ फ्रेंड आप लिख दें तो भी गलत हो जाएगा, द बोथ पीपल लिख दें तो भी गलत हो जाएगा। आपको बोथ पीपल लिखना पड़ेगा या बोथ ऑफ द पीपल लिखना पड़ेगा, ऐसे तब जाके बात सही होगा। तो ये याद रखिएगा द बोथ में यहाँ पर गलती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है अपने पास कि सी बिहेव्स इन अ सच, सी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डिनल मैनर That everyone admires her होगा आगे admires her। तो आप देखें यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि she behaves तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे in a such जो लिख दिया है, एक मिनट यार क्या हो गया। हाँ तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस सवाल में क्या था कि she behaves is a सॉरी इन अ सच अ कॉर्डिनल मैनर। देखो ये तो पढ़ने से ही यार गलत लग रहा है, यहाँ पे गलती है। सी बी, अच्छा आप बताओ कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इनका इस्तेमाल मे के अर्थ में करते हैं या और भी कई सारे चीज़ हैं, लेकिन बिहेव का मतलब क्या होता है? बिहेवियर आपको पता होगा, बिहेव मतलब किसी के साथ कोई बिहेव करना या उसके साथ व्यवहार करना। तो व्यवहार करने के केस में इनका कोई काम नहीं है, बिहेव्स इन नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है। और आगे वैसे ही यहाँ पर सच लगा है, बिहेव्स हम बिहेव्स लाइक कह सकते हैं कि यू बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, यानी कि तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो, या यू थिंक सॉरी यू बिहेव लाइक अ ओल्ड पर्सन, यानी कि तुम एक बूढ़े व्यक्ति के जैसा व्यवहार कर रहे हो, या यू बिहेव लाइक अ पुलिस, यानी कि तुम एक पुलिस के जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो हम लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद, या सच अ मैनर का भी इस्तेमाल करते हैं, सी बिहेव सच अ ऐसा। तो सच अ यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके पहले जो इन ए आया है ये इन ए हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिहेव्स के बाद इनका कोई काम नहीं है। इनका अर्थ में होता है किसी के साथ बिहेव, विद भी आप लगा सकते थे लेकिन इन तो कतई नहीं लगा सकते हैं हम लोग, इन यहाँ पर गलत है, इसीलिए सी बिहेव्स वाले पार्ट में गलती है। और जो बातें मैं बता रहा हूँ याद लिख कर जरूर रखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा, इसको लिखिए और लिख करके याद कीजिए। अगला सवाल है ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉसेस बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। देखिए सारे सवाल मैंने लगभग करा दिए हैं, इस सवाल को मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस सवाल में क्या गलती है, इजी वैसे गलती है यहाँ पर, वर्ड में गलती है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ और आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि इस सवाल में क्या गलती है, एक सवाल आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बड़ा कर लेते हैं क्योंकि जगह है। सवाल है अपने पास कि द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग, आप बताओ कि ऐसा सवाल अभी मैंने पहले आपको कराया था कि नहीं कराया था इस वीडियो में, या शायद पिछली वीडियो में मैंने कराया था आपको कि जब भी दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े होते हैं, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं और दोनों सब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति को डिनोट करते हैं, तब आपको आगे आर या फिर कोई प्लुरल वर्ब लगाना होता है। लेकिन एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट, जैसे आपको उस सवाल में मैं याद दिलाता हूँ, उस सवाल में क्या था, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस था, ठीक है। तो अगर दो सब्जेक्ट या दो ऐसे चीज़ जुड़े हों एंड से जो एक ही बात को डिनोट कर रहे हों, तो वैसे कंडीशन में जो आगे हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं या फिर इज लगाते हैं, जैसा टेंस रहता है वैसा लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो द फेमस एक्टर एंड, जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे आपसे ये कह दिया गया कि द एम डी एंड द सी ई ओ,
द एम डी एंड द सी ई ओ अगर मैंने लिखा तो आगे आपको आर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सी ई ओ के पहले भी द लगा है, एम डी के पहले भी द लगा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग आदमी है। लेकिन अगर द सी ई ओ के पहले द नहीं लगता लगा होता, आपको केवल ये कहा जाता कि द एम डी एंड सी ई ओ, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही आदमी है, और फिर आप आर नहीं लगाते, आप इज लगाते। सेम केस यहाँ पर है, सेम केस यहाँ पर द फेमस ऑथर एंड एक्टर, तो इस एक्टर के पहले कोई प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन बोल रहा हूँ, कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये एक्टर और ये ऑथर एक ही आदमी है। और ऐसे कंडीशन में आपको आर के जगह पर क्या लगा लेना चाहिए, इज। आर के जगह पर इज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एंड से जो दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, द ऑथर एंड एक्टर, ये दोनों एक ही आदमी को डिनोट कर रहा है, इसीलिए आर के बदले आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है यहाँ पर कि ही मैरिड विद अ रिच हेरिज लास्ट ईयर। हेरिज का मतलब क्या होता है, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा मतलब ही होता है इसका, ठीक है। हेरिज मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग आपको बताना है कि हेरिज का हिंदी मीनिंग क्या है, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं आपको सवाल बता देता हूँ कि ही मैरिड विद अ रिच हेरिज लास्ट ईयर। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मैरिड जो है, मैरिड के बाद विद का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। मैरिड के बाद विद का इस्तेमाल नहीं होता है, तो विद यहाँ पर गलती है। और अगर मैरिड के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाना होगा तो वो टू का इस्तेमाल होता है, और वो भी एक्टिव सेंटेंस में नहीं होता है, पैसिव सेंटेंस में होता है। पैसिव वॉइस में जाते समय हम मैरिड के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव में नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। विद का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, पहला बात। आप डायरेक्ट बोलेंगे कि ही मैरिड अ रिच हेरिज लास्ट ईयर, या ही जैसे राम मैरिड सीता हम बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि राम मैरिड विद सीता, या आई मैरिड यू, आई मैरिड विद यू नहीं बोलेंगे, वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी ये बात समझा सकता हूँ, जैसे मैंने मान लो एक एक्टिव पैसिव में बात करता हूँ कि आई मैरिड हर, मैंने लिख दिया आई मैरिड हर, ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस है। तो देख रहे हैं आप, मैरिड के बाद मैंने कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया, लेकिन इसको अगर मैं पैसिव में ले जाऊं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सी वॉज, एक मिनट, क्या लिखना पड़ेगा दोस्त आपको, सी वॉज मैरिड टू मी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब पैसिव में मैं ले गया तो मैरिड के बाद टू का इस्तेमाल किया, लेकिन विद नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो टू आता है, वो भी पैसिव में आता है। आगे देखते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एज अ लिटिल चाइल्ड सी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, किसी चीज़ से डरना, ठीक है। तो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता है, क्योंकि फ्रॉम जुदाई को दिखाता है, जब आप कोई जगह छोड़ते हैं तो वहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। आगे सवाल है प्लेंटी ऑफ वेयर। देखो इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्त, आगे जब आप कई सारा सवाल कर लेंगे ना, जब बहुत सारा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी ऐसे जल्दी जल्दी पकड़ में आने लगेगा बात, आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है, यानी कि प्रैक्टिस किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाती है, किसी भी कला को परफेक्ट बनाती है। आप देखे होंगे अच्छे से अच्छे बल्लेबाज, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, जो भी बल्लेबाज निकले हैं या जो गेंदबाज हैं, इतनी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के बावजूद भी ये फाइनल एग्जाम खेलने से पहले बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। वो उतना बड़ा भाई इंटरनेशनल प्लेयर होने के बाद भी फाइनल काम करने से पहले इतना सारा प्रैक्टिस करके जाते हैं। और आप ठहरे एक स्टूडेंट, आपको फाइनल एग्जाम आने से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप देखते देखते बात को समझ पाएं कि सवाल में क्या गलती है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन है एक अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बारे में एक और बात आप याद रखिएगा कि इसमें हम एस नहीं लगाते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस हम लास्ट में एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लास्ट में हम एस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सूचना जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं। और इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ, वो सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, वेयर की जगह पर वाज लिखना पड़ेगा, और वेयर में गलती है, यानी कि ऑप्शन फोर गलत है, हमारे हिसाब से ऑप्शन फोर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेयर की जगह पर वाज क्यों लगा रहे हैं, आप बात समझ पाए होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आगे सवाल है मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल। देखो मैंने पिछली वीडियो में या इसी वीडियो में किसमें बताया था ये तो पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी इससे पहले वाले जो कॉमन एड का पार्ट वन है उसमें शायद बताया हो या इसी वीडियो में बताया हो कि जब भी डिड आ जाता है तो डिड के बाद हम V2 का इस्तेमाल या V3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिड के बाद आपको V1 का इस्तेमाल करना होता है। और ये बात आप
पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पढ़े होंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जनरली हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर डिड लगा देते हैं निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव में, तो जब डिड लग जाता है तो बाकी हम जो वर्ब आता है मेन वर्ब उसको हम लोग V1 फॉर्म में लिखते हैं। क्यों V1 में लिखते हैं? क्योंकि डिड खुद V2 है। डू डिड डन आप पढ़े होंगे, तो डिड खुद V2 है, इसीलिए इसके बाद हम लोग V2 नहीं लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो जो वेंट है ये V2 है, वेंट आपको भी पता है गो का V2 है, तो वेंट के बदले हमें गो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों गो का इस्तेमाल हो रहा है ये बात मैंने आपको बता रखा है, आप समझ गए होंगे। आगे सवाल है कि इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सोर। तो मैंने आपको ये बात बता रखा है कि शुरू में जब भी इफ़ आए और इफ़ के बाद अगर प्रेजेंट इनडिफिनिट आए, इफ़ के बाद प्रेजेंट इनडिफिनिट आए, तो आगे हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में किसका, सेल का या फिर विल का, ये बात मैंने पढ़ा रखा है। और अगर इफ़ के बाद पास्ट इनडिफिनिट आता है तो आगे हम शुड वुड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो आगे हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप इसे लिख लो और याद रख लो कि इफ़ शुरू में है और इफ़ के बाद अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आगे सेल विल आएगा, और अगर इफ़ के बाद पास्ट इंडिफिनिट है तो आगे शुड वुड आएगा, और अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट है यानी कि हैड है तो आगे वुड हैव आता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने अपनी कई वीडियो में रिपीट कर रखी है। तो यहाँ पर इफ़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क, ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर आपको हैज के बदले इस्तेमाल करना पड़ेगा इट विल टर्न्ड सोर, इट विल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलत है हैज में। देखें दोस्त, अगला सवाल अपने पास आ चुका है, ये है अपना अगला सवाल। यहाँ पे लिखा गया है कि सीता हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। टेस्ट, देखिए मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में या पिछली वीडियो में पता नहीं, लेकिन ये बात बता चुका हूँ मैं कि काफ़ी फिक्स प्रीपोजिशन से सवाल काफ़ी पूछे गए हैं 2020 के अंदर SSC के एग्जाम्स में, खास करके चाहे वो SSC CHSL हो या CGL हो या CPO हो, इन सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे कि कॉमन एड्स में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में और क्लोज टेस्ट में काफ़ी फिक्स प्रीपोजिशन के सवाल आए हैं, और ये सवाल भी फिक्स प्रीपोजिशन का है। टेस्ट के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ, तो यहाँ पर इन गलत है, टेस्ट के बाद इन नहीं आएगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑफ का, टेस्ट ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, आगे सवाल है यहाँ पर कि इट इज़ रेनिंग हैवली, यानी कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट, यानी कि काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रहा है इसलिए तुम्हें एक छाता ले लेनी चाहिए वरना तुम भीग जाओगे। तो ये बताओ कि वरना तुम भीग जाओगे यहाँ पर, लेकिन बट आ गया है, बट गलत बात है, बट यहाँ पर होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक बात सोचो कि अगर मैं छाता ले लूँ, तो यहाँ पर ये बात लिखा गया है कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, यानी कि इसलिए तुम्हें एक छाता ले लेनी चाहिए, लेकिन तुम भीग जाओगे, लेकिन तुम भीग जाओगे थोड़ी, वरना तुम भीग जाओगे, तो इसलिए यहाँ पर बट नहीं इस्तेमाल करना है, आपको बट के जगह पर इल्स का इस्तेमाल करना होगा। बट के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? इल्स, यहाँ पर बट में गलती है। आगे सवाल है कि द बिग शिप सैंक एंड एवरी वन एब्रॉड ड्रॉन्ड। देखिए यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, ये एब्रॉड जो है ये यहाँ पर सुपरफ्लुअस एरर है, एब्रॉड यहाँ पर गलती है। एब्रॉड और ड्रॉन लगभग सेम मीनिंग देता है, इसीलिए एब्रॉड मतलब वैसे नाव होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ऊपर लिख दिया गया है कि शिप सैंक हो गया है, तो एब्रॉड का कोई काम नहीं है, एब्रॉड यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ड्रॉन सही है, तो एब्रॉड को हम यहाँ से हटा देंगे, ये सुपरफ्लुअस है। और आगे सवाल कोई बचा नहीं दोस्त, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्त, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेन बात यह है कि आपको जो बात मैंने बोली है कि आप ऑनलाइन देखने की कोशिश कीजिए, अगर नेटवर्क अच्छा है तो आप बाद में डाउनलोड करके देखिएगा, लेकिन एक बार कम से कम आप ऑनलाइन हमारे लिए देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।